Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So in today's video we are going to solve the problems of chapter number 5, and the name of the chapter is vector. So all of you can see the question number 1 over here, which is draw the representative lines of the following वैक्टर्स. आपको यहाँ पे तीन वैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है. आपने इन लाइन्स को जो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ करना है, ठीक है. तो लेट सॉल्व इट. ओके, सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सोल्यूशन. आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है पार्ट नंबर 1 में फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. एक 15 न्यूटन की फोर्स है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है. किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में. तो एक्स एक्सिस हमारे पास ये होता है. अब मुझे 15 न्यूटन की फोर्स को ड्रॉ करना है ना, तो वो मैं कैसे करूँगी? देखिए, हमारे पास यहाँ पे ये 15 न्यूटन की फोर्स है. अब इसको ड्रॉ करना है इन द एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो पहले तो मैं एक एक्स एक्सिस पे लाइन बना लूँगी. अब 15 न्यूटन की फोर्स बहुत बड़ी होती है, उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि 15 न्यूटन का मतलब है अगर मैं 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर लूँ तो ये 15 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी, सही. तो मैं कुछ ऐसे सपोजिशन करूँगी कि मेरी ये वाली लाइन जो वैल्यू है वो छोटी हो जाए. तो उसके लिए मैंने क्या सपोजिशन दी कि 5 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर के. 5 न्यूटन जब 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा तो 10 न्यूटन कितने के बराबर होगा? 2 सेंटीमीटर के. अब बिल्कुल इसी तरह से 15 न्यूटन कितने के बराबर होगा? 3 सेंटीमीटर के. तो मतलब मैंने 15 न्यूटन की जगह बजाय मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है. अब ये लाइन मेरे लिए पॉसिबल है ड्रॉ करना, सही है. तो सबसे पहले तो मैंने एक्स एक्सिस पे एक रैंडम लाइन ले ली. मैंने इतनी ली है, आप इससे बड़ी लेना चाहें आराम से ले सकते हैं, इससे छोटी लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं, सब टू यू टोटली, ठीक है. मैंने ऐसे इतनी ली है, सही है. उसके बाद मैंने एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ की, ठीक है. वाई एक्सिस पे मैंने रैंडम और एक्स एक्सिस पे भी मैंने रैंडम लाइन ड्रॉ की है. अभी मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया. अब मैंने कहा है कि 60 डिग्री के एंगल पे आपने 15 न्यूटन की फोर्स ड्रॉ करनी है, सही है. मतलब 15 का मतलब 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है. तो उससे 3 सेंटीमीटर को ड्रॉ करने से पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? 60 डिग्री का एंगल. तो अब हम 60 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करते हैं. ओके, नाउ मुझे 60 डिग्री का एंगल देखना है. तो पहले आप ये देखें, आपके पास ये जो स्केल में जो नीचे वाली लाइन है ना, ये वाली नीचे वाली जो लाइन है, आपने इसको एक्स एक्सिस पे फिक्स करना है, ठीक है. और ये सेंटर पॉइंट है, ये आपने यहाँ पे फिक्स करना होगा, सही है. ये वाला जो पॉइंट है, सही है. तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, अपने सेंटर पॉइंट पर इसको फिक्स करने लगी हूँ. ओके, सो हियर आई फिक्स इट. देखिए, मैंने वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस का ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया और फिक्स कर दिया, और इसी तरह एक्स एक्सिस पे ये. तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, लेट मी शो यू ओवर हेयर. ये देखें, अब मैं यहाँ से राइट हैंड साइड से रीडिंग स्टार्ट करूँगी. तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन 60. तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है 60 पे, सही है. ये 60 पे एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो मतलब ये 60 डिग्री का एंगल आ गया. मैंने राइट हैंड साइड से रीडिंग शुरू करते हैं हम हमेशा, सही है. तो अब 60 डिग्री का मेरा एक पॉइंट आ गया, ये देख लें आप, सही है. अब इसी की लाइन में मुझे 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, सही है. इसी की लाइन में, जब मैं इसकी लाइन में 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगी तो कैसे करूँगी? अगैन आई विल टेक द स्केल. ओके, अब आप लोग देख सकते हैं, ये देखेंगे 3 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से शुरू की मैंने, और ये देखें ये 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, सही. इसी की लाइन में देखिए, ये रहा पॉइंट, और अब मैंने पूरे पॉइंट तक नहीं लेके जाने क्योंकि मेरी 3 सेंटीमीटर की लाइन है, तो मैं 3 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करूँगी, सही. तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गई, एक 3 सेंटीमीटर की लाइन आ गई. सो हियर यू कैन ड्रॉ द क्वेश्चन नंबर 1. और इस तरह से आप 60 डिग्री के एंगल पर आपने एक जो है वो 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसी का पार्ट नंबर 2 क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ. अब देखें, यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी बता दी, क्या? नॉर्थ की डायरेक्शन में. तो सबसे पहले तो मैं एक ग्रेड स्केल देख लेती हूँ, क्या है? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड पे ईस्ट, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? वेस्ट होता है. मुझे नॉर्थ की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि 60 किलोमीटर का. अगैन 60 किलोमीटर का मतलब अगर मैं 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर लेती हूँ तो मुझे 60 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. और मेरा स्केल इतना तो है ही नहीं, मतलब मेरे पास मैक्सिमम जो है वो 15 और जो है वो इतना है 15 है, ठीक है, मैक्सिमम. तो मुझे कुछ ऐसा इसको करना होगा कि मेरे लिए आसान हो जाए. तो मैंने क्या सपोज किया, 60 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. अगैन 20 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के, 60 किलोमीटर को 3 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया, सही है. तब आप देख सकते हैं, मतलब 60 की जगह मैं कितना ड्रॉ करूँगी? 3. तो मैंने नॉर्थ अपवर्ड है, ठीक है. अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो है वो 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया. ये देखें, यहाँ 3 सेंटीमीटर पे आकर रुक गया, सही है. तो 3 सेंटीमीटर की मेरे पास नॉर्थ की डायरेक्शन में लाइन आ गई.
Now the last part is velocity of 30 किलोमीटर towards north east. Again north east. ठीक है, अब आपको direction यहाँ पे भी बताई गई है. सबसे पहले तो आपको north पता हो, south पता हो, east पता हो, एंड देन west. ठीक है, north east मतलब north और east के बीच की जगह. तो north ये रहा और जो है वो east ये रहा. तो इन दोनों के बीच में क्या गया, north और east. ठीक है, तो जब हमें कोई एंगल ना बताया जाए तो फिर हम सेंटर में ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में ले लिया. अब नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में मुझे क्या ड्रॉ करना है, 30 किलोमीटर. 30 किलोमीटर पर आर का मतलब 1 किलोमीटर पर आर. अगर आर मैं 1 सेंटीमीटर के बराबर लेती हूँ तो इसका मतलब कि मुझे 30 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी. एंड अगैन इन माई स्केल इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स 15 सेंटीमीटर मैक्सिमम. सो हियर व्हाट विल आई डू, आई विल कंसिडर 10 किलोमीटर पर आर जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है. 10 का मतलब अगर मैं 30 देखूँ तो 30 कितने के बराबर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के. सही है, आई होप सो आप लोगों को ये कंसिडरेशन सपोजिशन समझ आ रही होगी. सही है, तो 30 किलोमीटर पर आर का मतलब 3 सेंटीमीटर. तो मतलब मुझे नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में ईस्ट 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. एंड नाउ आप जैसे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से शुरू करूँगी और इसी को फिर यहाँ लेकर आऊँगी. सही, तो नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में देखेंगे, देखें 3 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी. अब आपको यहाँ एंगल नहीं बताया तो आपकी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है लाइन. ठीक है, इट्स पॉसिबल. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ गिवन इन योर बुक इज अ बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. एक बॉडी है जो कि 5 किलोमीटर जाती है, ट्रैवल करती है कितनी, किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए. ठीक है, पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और पॉइंट बी पे जाके रुक जाती है. सही है, रीचेज अ पॉइंट बी. अब फिर पॉइंट बी से फिर वो शुरू कर रही है ट्रैवलिंग. इट कवर्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. और पॉइंट बी से वो 3 किलोमीटर ट्रैवल करती है किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ. और एक पॉइंट पे पहुँचती है और उस नए पॉइंट का क्या नाम है, सी. अब आपने क्या बताना है, डिस्टेंस और डायरेक्शन. तो यहाँ पे सबसे पहले तो 5 और 3 है, तो आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर. तो इसको आप अपनी स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स ईजी टू ड्रॉ. तो मैंने यहाँ पे यही ले लिया कि 1 किलोमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर के. सही है, मैंने 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया. अब आप देख सकते हैं बॉडी ने कहाँ से ट्रैवलिंग शुरू की थी, 5 किलोमीटर से ट्रैवल किया था, किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में. ठीक है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ए था और जो एंडिंग पॉइंट था वो बी था. तो सबसे पहले हम 5 किलोमीटर की जगह क्या लेंगे, 5 सेंटीमीटर, और इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट ड्रॉ करेंगे. तो ईस्ट हमारा ये रहा, राइट हैंड साइड पे होता है. तो देखें यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया. लेट मी शो यू ओवर हेयर ऑल्सो. ये देखें हमारे पास ये है, ये देखें 5 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ की हुई, देखें यहाँ तक 5. सही है, तो ये ईस्ट की डायरेक्शन मैंने क्या ड्रॉ कर दिया अपना, 5 किलोमीटर. अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी. उसने कहा था कि पॉइंट बी पे रुक गई बॉडी, फिर पॉइंट बी से उसने दोबारा ट्रैवलिंग स्टार्ट की है और कहाँ पे गई है, नॉर्थ की डायरेक्शन में. और जो एंडिंग पॉइंट है वो सी है. नॉर्थ कहाँ होता है, अपवर्ड होता है. ठीक है, तो इसी पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँगी और यहाँ से ऊपर जाऊँगी. सही है, और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा, ये देख सकते हैं आप लोग. ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो गया. और ये आपका जो एंडिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग बी था और इसका एंडिंग क्या था, सी था. अब आपने ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है. जब आप ये दो लाइनें सही से ड्रॉ करेंगे तो आपको ये वैसे भी स्केल से पता चल जाएगा. ठीक है, जब आप इसको ड्रॉ कर देखेंगे तो ये आपको वैसे ही पता चल जाएगा. और इसके अलावा एक और क्या तरीका है आपके पास, ये मैंने पेंसिल से इसलिए किया है क्योंकि जो है यहाँ पे हमारे पास किलोमीटर्स में बात की हुई है. ठीक है, और ये कोर्स है तो मैं आपको सिर्फ करके बता रही हूँ कि ये कैसे करें, कि हमने रिजल्टेंट निकालना है ना, हमने डिस्टेंस जो रिजल्टेंट आया है वो निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है. तो रिजल्टेंट का क्या तरीका होता है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर. एफ एक्स देखें, ये एक्स की डायरेक्शन में ना 5 सेंटीमीटर, ये एक्स की डायरेक्शन में तो मैंने इसको 5 ले लिया. और ये वाई की डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर, वाई की डायरेक्शन में तो मैंने इसको 3 ले लिया. तो मतलब वाई एफ वाई की जगह पे 3 आ गया. इसका उसके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एफ की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5.8. मैं न्यूटन यहाँ इसलिए नहीं लिख रही हूँ, मैंने अगेन आपको बोल रही हूँ, मैं इसको इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये जो है हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास डिस्टेंस है. सही है, तो मैं इसको मीटर भी नहीं लिख सकती वरना ये फोर्स गलत हो जाएगा. तो मतलब जो मेरे पास रिजल्टेंट यहाँ पे वैल्यू आएगी वो 5.8 आएगी. और जब आप ये दो चीज़ों को बहुत केयरफुली ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये 5.8 आ भी रही होगी, जिस तरह से मेरे पास आ रही है. सही है, तो ये 5.8 आपके पास हो गई, ये आपके पास आ गई रिजल्टेंट फोर्स. अब आपने क्या निकालनी है, डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एफ आई अपॉन एफ एक्स. अब एफ आई भी पता है, एफ एक्स भी पता है. एफ आई आपका ये है 3 और एफ एक्स क्या है 5. तो 3/5 करेंगे, एंगल आपके पास 30.9 आ जाएगा. बुक में आपके पास 31 गिवन है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, अप्रॉक्सीमेटली 31 हो गई. अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली ना भी बोलूं तो भी 30.9 जो है वो 31 ही होता है. सही है, और इन्होंने एक और क्या चीज़ बोली थी कि डायरेक्शन नहीं बतानी,
थीटा के साथ डायरेक्शन ही बतानी है। डायरेक्शन आपको बेसिकली थीटा से ही पता चलती है। अब देखें ये आपके पास किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। आप देखें ये इधर से उधर, तो आप ये इसको देखेंगे कि यहाँ से वहाँ जा रहा है, सही है। क्योंकि अगर मैं नीचे वाला देखूँ तो ये, वरना इसकी ये देखें ये इसका जो हेड है ना वो यहाँ आएगा, सही है, और ये टेल है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। जब इसका हेड यहाँ पर आएगा तो ये किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, बिकॉज दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है। ये वाली रिजल्टेंट है, ये किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ ईस्ट। ये देखें यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है, तो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। मैं नीचे वाला नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेड आ जाएगा और यहाँ टेल आ जाएगा, और हमने इसको जो है वो टेल से ज्वाइन करना होता है सबकी बेसिस को। ये टेल्स का यूँ ज्वाइन हो जाएगा और आपके पास ये किस डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ ईस्ट। ओके, नाउ प्रॉब्लम 5.3 के हमारे पास, अ मैन ड्राइव्स हिज कार 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज स्ट्रेट पाथ। एक बंदा है जो कि गाड़ी ड्राइव करता है 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में, सही है। देन ही ट्रेवल्स 10 किलोमीटर साउथ, और फिर वो 10 किलोमीटर साउथ की तरफ ट्रैवल करता है एंड रीचेज अ पॉइंट, और एक पॉइंट में पहुँचता है। फ्रॉम हेयर ही ट्रेवल्स 15 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड रीचेज अनदर पॉइंट। फाइनली ही ट्रेवल्स 20 किलोमीटर नॉर्थ एंड फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द, हमने नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। ओके, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम 5.3। अब आप देख सकते हैं कि हमें जितनी भी वैल्यूज गिवन थी ना, 5, 10, 15, 20 में गिवन थी, तो 5 को तो मैं ड्रॉ कर लेती, चलें 10 को भी मैं किसी तरह ड्रॉ कर ही लेती, लेकिन 15 और 20 को ड्रॉ करना इज़ टोटली एन इम्पॉसिबल थिंग फॉर मी, सही है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी डायग्राम हो जाती। तो मैंने क्या सपोज किया कि 5 किलोमीटर को मैंने 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लिया, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, तो इसी तरह 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 15, तो इसी तरह 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, सही है। सेम मेरे पास ये सब, मतलब अब मुझे 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर की लाइन्स ड्रॉ करनी है। अब ये मेरे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। आपको हर डायरेक्शन के लिए, आपको हर जो डिस्टेंस है उसके लिए आपको डायरेक्शन बता दी गई है, सही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 किलोमीटर से, सही है। आपको सबसे पहले 5 किलोमीटर गिवन था, ओके। अब हमने 5 किलोमीटर ड्रॉ करना था ना, 5 किलोमीटर का क्या मतलब था, 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगी किस डायरेक्शन में, ईस्ट, क्योंकि 5 किलोमीटर मुझे ईस्ट की तरफ गिवन था, सही है। तो जब मैं इसको ईस्ट की डायरेक्शन में ड्रॉ करूँगी तो ये मेरा इस तरह से, देखें मैंने यहाँ से एरो शुरू किया है और यहाँ पे ख़त्म किया, बिकॉज दिस इज़ माई ईस्ट, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, सही है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि आपका साउथ की तरफ उसने 2 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, साउथ, तो साउथ देखें ईस्ट ये रहा, उसके बाद साउथ का है नीचे है ना, तो मैं यहीं से नीचे आऊँगी, तो देखें मैंने यहीं से नीचे आई और 2 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, ठीक है। इसका हेड इसके टेल से ज्वाइन होगा, ठीक है, ये आपके पास आ गया 2 सेंटीमीटर। उसके बाद 2 सेंटीमीटर के बाद उसने 3 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है वेस्ट की तरफ, सही है। तो मैं अब वेस्ट की तरफ जाऊँगी, तो मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया डाउनवर्ड, अब मुझे जाना है वेस्ट, तो मैं यहीं से वेस्ट जाऊँगी, 3 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से वेस्ट ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास ये लास्ट क्या आ गई, मेरे पास जो है वो, अब ये 3 डिस्टेंसेस उसने ट्रैवल कर लिया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर उसने ट्रैवल किया था नॉर्थ की तरफ, तो ये 4 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ आ गया, तो मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये और ये 4 लाइनें हमने ड्रॉ की हैं। ये जो रिजल्टेंट है ना, ये आपने अगर आपने ये 4 लाइन्स 1, 2, 3, 4 ये 4 लाइन्स अगर आपने सही से ड्रॉ किए, तो एक तो आपका इसका आंसर भी सेम आएगा, सही है। अगर मैं आपको उसको यहाँ पे मेजर करके बताऊँ तो मेरे पास एग्जैक्ट 2.85 ये आ भी रहा है, ठीक है, क्योंकि 2.8 से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, तो मैं इसको 2.85 कंसिडर कर लूँ। ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर हेयर, देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास ये 2.85 से ज़्यादा आ रहा है, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 से थोड़ा सा आगे आ रहा है, सही है। तो मैंने इसको 2.85 ले लिया, ये रिजल्टिंग मेरे पास क्या फोर्स हो गई, 2.85। अब 2.85 सेंटीमीटर आया या मुझे किस में गिवन था, किलोमीटर में, तो मैंने क्या सपोजिशन ली थी, 5 किलोमीटर बराबर है 1 के, तो मैं इसीलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, जब मल्टीप्लाई करूँगी तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या गया, 14.2 किलोमीटर, सही है। अब मुझे क्या निकालना है, थीटा। रिजल्टेंट हमारा क्या है बेटा, हमारा रिजल्टेंट ये वाली लाइन है ना, सही है, ये रिजल्टेंट है हमारा। जब ये रिजल्टेंट है तो मुझे इसी का एंगल मेजर करना है, सही है। तो मैं आप इसी के ऊपर देखें, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरी एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा, सही है। तो अब मैं इसको जब मेजर करूँगी, लेट मी शो यू ओवर हियर, ये देखिए
ये देखें, ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास जो है वो उससे ज़्यादा आ रही है। ये देख सकते हैं, ये देखें 40 और 50 के बीच में ये वाली लाइन आ रही है, सही है, 40 और 50 के बीच में आ रही थी, तो वो क्या हो गई 45। तो इसीलिए मैंने थीटा क्या ले लिया 45। अब ये किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, मतलब ऊपर इसका हेड जा रहा है ना, तो ये ऊपर इसका हेड जा रहा है यहाँ पे, सही है। तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ गए, या वेस्ट और नॉर्थ आप कह सकते हैं, ठीक है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में ये लाइन आ गए, सही है। ओके, सो नाउ प्रॉब्लम 5.4 ओवर हियर इज थ्री फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन 4 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। आपको तीन मैग्नीट्यूड गिवन है फोर्स के, 3 न्यूटन 4 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0, 30 एंड 150 विथ द एक्स एक्सिस, मतलब ये सारे एंगल एक्स एक्सिस पे जो है वो इस एंगल से आ रहे हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये कि 3 न्यूटन की फोर्स पहले है तो इसका एंगल 0 है, 4 न्यूटन की फोर्स सेकंड है तो 30 डिग्री का एंगल उसका है, और लास्ट क्या है 4 न्यूटन अगैन तो वो 150 का है, सही है। आपने क्या निकालनी है, अगैन रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, सही है। ज़ीरो आपको क्या गिवन था, 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री का मतलब ये कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई ना, स्ट्रेट लाइन हो, क्योंकि जीरो तो आपका यहाँ पर होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन, तो देखें स्ट्रेट लाइन मैंने एक रैंडम ड्रॉ की यहाँ तक एक्स एक्सिस, और उसके बाद इस एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने 3 न्यूटन, मतलब अब देखिए 3, 4, 4 एक ऐसी मेजरमेंट है जो मैं स्केल से ड्रॉ कर सकती हूँ, तो मैंने 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया, तो मैं क्या करूँगी 3 सेंटीमीटर की लाइन मैंने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दी, सही है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि सेकेंड आपका 30 डिग्री पर एंगल बन रहा है 4 न्यूटन की फोर्स, तो यहाँ पर रख के मैं देखूँगी कि मेरा 30 डिग्री कहाँ आ रहा है। देखिए मैं इस पॉइंट पर अपना सेंटर फिक्स करूँगी, इस पॉइंट पर, सही है। तो देखिए मैंने जब इस पर इसको अपना पॉइंट फिक्स करा, ये देखें मैंने फिक्स करा, तो 13 देखें मेरे पास यहाँ आ रहा है, ये देखें 30 0 10 20 30, ये देखें 30 आ गया, तो मैंने इस पर एक डॉट लगा दिया, सही है। तो मतलब मुझे इस लाइन में, ये मैंने अब एक लाइट सी, देखें आप लोगों को नज़र अगर आ रही हो तो देखें मैंने लाइट सी एक लाइन भी ड्रॉ की है, इसीलिए किए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि ये 30 यहाँ पर मेरी एक लाइन ड्रॉ होगी। अब वो लाइन रेंडमली ड्रॉ होगी, वो लाइन 4 न्यूटन मतलब 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हुई, तो इसी लाइन के ऊपर मैंने अपना स्केल रखा और 4 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर है, ये देखें ये 4 यहाँ पर आ रहा है, सही है। आई होप सो नाउ इट्स विजिबल टू यू ऑल, ये देखें 4 ये आ रहा है, ये देखें, तो ये हमने 4 सेंटीमीटर की यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये हमारे पास आ गया, अब इस पर कहा इन्होंने कि आपने लास्ट कौन सा एंगल है, 150 एंगल है, आपने 150 पे 4 न्यूटन की फोर्स ड्रॉ करनी था। अगैन अब मैंने अपना इसको अपना बेस एक्स एक्सिस मान लिया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कहा था ना उन्होंने, तो ये एक्स एक्सिस पहले ये था, अब मैं नीचे तो नहीं लेकर आ सकती, तो मैंने इसको थोड़ा सा अपना एक्स एक्सिस को ऊपर कर लिया, तो ये देखे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी रेंडम ये वाली, सही है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। अब मैं अपना डी यहाँ पे रखूँगी और 150 का एंगल लूँगी, सही है। तो देखिएगा ना, ऑल ऑफ यू कैन सी ओवर है, ये देखें मैं यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करूँगी 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 90 एंड देन 100, 110, 120, 130, 140 एंड 150, ये देखें कि 150 था, तो यहाँ से पूरा स्केल घूमेगा 150, ठीक है, ये 150 आपका यहाँ पर आ गया। मैंने इसी पे अगैन एक रेंडम बिल्कुल लाइट सी लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दी। अब इस क्यों ड्रॉ की, ताकि मुझे ड्रॉ करने में आसानी हो, मुझे क्योंकि 4 न्यूटन की, मतलब 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। अगैन मैं यहाँ पे अपना स्केल रखूँगी और मैं 4 न्यूटन की फोर्स को ड्रॉ कर दूँगी यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग 4 ड्रॉ कर दी और ये मेरा हेड ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या ड्रॉ कर, अब मुझे ये देखें 1, 2, 3 ये आ गए। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए अगेन आप इसको जब स्केल से यहाँ रखेंगे, इसके लिए बेटा आपका ये आंसर तभी सही आएगा जब आपकी ये तीन मेजरमेंट्स के एंगल और तीनों मेजरमेंट्स आपकी सही होंगी, सही है। तो इसको आपने बहुत कॉन्शियसली ड्रॉ करना होगा, तो आप देखेंगे आपके पास ये 5 न्यूटन आ भी रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मेरा भी 5 न्यूटन आपको आई होप सो नज़र आ रहा होगा, 5, ठीक है। तो देखें 5 न्यूटन मेरा क्या आ गया 5। अब मुझे डायरेक्शन ही बतानी थी, तो रिजल्टेंट में मैंने डायरेक्शन भी निकाल ली अपनी रिजल्टेंट के साथ ही, सही है, क्योंकि आपको बुक में जो है वो गिवन है। तो इसी पे जब मैं रखूँगी तो मेरे पास एंगल आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग 50 से आगे आ रहा है, 50 से ही, देखिए ये जो पेंसिल आ रही है ना बीच में, ये 50 से ज़्यादा आ रहा है, और जब आप इसको काउंट करेंगे तो 3 पर आ रहा है ये, सही है। तो मेरा एंगल क्या हो गया 53।
अब हमारे जितने मेजरमेंट्स के या जितने ड्राइंग के क्वेश्चन थे वो सब खत्म हो गए. नाउ वी हैव टू डू 5.5, दो क्वेश्चन रह गए. एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से और आपको पॉइंट पार्ट्स गिवन है, सही है. तो आप देखिए 40 न्यूटन की एक फोर्स गिवन है. अब इन्होंने इसकी डायरेक्शन आपको नहीं बताई, ठीक है, एट 45 विद एक्स एक्सिस, ठीक है. मतलब इसको नहीं बताया कि ये जो है किस डायरेक्शन में, एक्स में या वाई में. तो यहाँ पर आपको बता दिया थीटा 45, तो इसको मैंने रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, एफ एक्स और एफ वाई, सही है. तो मैंने रिक्वायर्ड में क्या लिख दिया, एफ एक्स और एफ वाई. सोल्यूशन में क्या आपको पता है, एफ एक्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है एक्स कंपोनेंट के लिए, एफ कॉस थीटा, ठीक है. एफ भी पता है, कॉस थीटा भी पता है, जब आपने पुट करा तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई. सेम फॉर एफ वाई, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा. आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे ना कॉस 45 को, तो आपको ये खुद ही वैल्यू दे देगा. और उसके बाद एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, वाई कंपोनेंट आ गया, सही है. तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, एफ वाई भी निकाल लिया. लेट मी शो यू द क्वेश्चन ओवर हेयर. ये देखिए मेरे पास क्या था, कॉस 45 है ना, देखिएगा. अभी मैं कॉस 45 निकालूंगी, कॉस 45. आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री में होना चाहिए, सही. तो देखिए मेरे पास ये रूट 2/2 आया, ये वाला जो है ना, इससे जो मैं प्रेस करूंगी तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा. तो 0.707, और मैं देखें यहाँ पे मैंने 0.707 ही लिखा है, सही है. इसी तरह आप साइन 45 निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा. तो हेयर वी आर डन विद पार्ट नंबर 1. इस क्वेश्चन के तीन पार्ट गिवन है. पार्ट नंबर 2 में भी एग्जैक्ट वही गिवन है, एफ गिवन है, थीटा गिवन है. आपको एफ एक्स निकालना है और एफ आई निकालना है. आप कॉस 60 को जब कैलकुलेटर में पुट, एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ कॉस थीटा से, सही है. और एफ आई कैसे निकालेंगे, एफ साइन थीटा से. जब आप एफ एक्स निकालेंगे तो कॉस 60 को जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2, सही है. और इसके अलावा आप साइन 60 को जब पुट करेंगे तो 0.866 भी आ जाएगा, साइन 60, सही है. ये देखें पॉइंट में जब करा तो 0.866 आ गया, सही है. तो आपने जब इसको पुट करा, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एफ एक्स भी आ जाएगा और एफ आई भी. इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी अगेन फोर्स गिवन है, थीटा गिवन है. आपने ये सब कुछ पुट किया, एफ एक्स में कॉस 90 पुट किया, साइन 90 पुट किया, एफ की वैल्यूज पुट की, आपके पास एफ एक्स भी आ जाएगा, एफ आई भी आएगा. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. 5.6 प्रॉब्लम 5.6 में क्या करना है, डिटरमाइन कम्प्लीटली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अगेन आपने रिजल्टेंट निकालना है. अब आप देखें आपको कॉलम वाइज एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट गिवन है, तो मतलब ये एफ एक्स होगा, ये एफ आई होगा, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ आई, ये एफ एक्स, ये एफ आई. तीनों को में सेम काम करना है, हमें रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है. रिजल्टेंट एफ निकालना है तो, और थीटा भी निकालना है. तो रिजल्टेंट एफ एक्स और एफ आई गिवन है, तो आप एफ का फॉर्मूला पुट करेंगे, रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर. एफ एक्स और एफ आई की वैल्यू पुट्स करें 5 और 3, आपके पास ये कैलकुलेटर आंसर दे देगा 34, ठीक है. और आपके पास जब आप उसको पॉइंट्स में करेंगे तो किलोमीटर भी आ जाएगा, 5.83 में भी आ जाएगा. आप थीटा भी निकालना है तो टेंजेंट इनवर्स एफ आई अपॉन एफ एक्स होता है, तो एफ आई की भी पता है, एफ एक्स की भी वैल्यू पता है. थीटा पुट करा 30.9, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 31 डिग्री के बराबर आ गया. इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स और थे हमारे पास. अगेन एफ आई और एफ एक्स और एफ आई गिवन था, रिजल्टेंट निकालना, तो अगेन आपने एफ एक्स और एफ आई की जगह पे वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेटर में पुट किया, यू विल गेट द आंसर. अच्छा यहाँ पे अब आपको क्या गिवन है, थीटा, थीटा निकालना है ना. तो उसमें आपको देखें, आपको एफ आई अपॉन एफ एक्स निकालना है. आप देखें मैं आपको एक दफ़ा करके बता देती हूँ यहाँ पे, सही है. मुझे टेंजन इनवर्स, तो शिफ्ट दबा के जब भी इनवर्स निकालना होता है ना बेटा, तो शिफ्ट दबा के आपने सेम फंक्शन को क्रॉस करना होता है प्रेस. तो ये टेंजन आ गया, देखें मैंने पहले क्या दबाया, शिफ्ट, ये रहा शिफ्ट, ठीक है. शिफ्ट दबाकर टेंजन इनवर्स करा तो एफ आई अपॉन एफ एक्स. तो मैं पहले फ्रैक्शन ले लेती हूँ, एफ आई की वैल्यू क्या 18 है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एफ एक्स है जो कि 7.5 है, सही है. तो मेरे पास आंसर आ गया 67.38, यू कैन सी इट ओवर, मैंने 67.3 ही लिखा है, सही है. इसी तरह आप इसको भी करेंगे तो आपके पास इसका भी आ जाएगा, सही है. याद रखिएगा जब भी इनवर्स निकालना हो तो शिफ्ट दबा के वो फंक्शन दबाया करें. अब इसी तरह आपके पास इसका भी आ जाएगा, एफ एक्स और एफ आई गिवन है, अगेन आपने एफ और थीटा निकाल लिया. सो हियर वी आर डन विद द प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर नंबर 5. अल्लाह हाफिज़.